गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती क्याफे भी रहमतुल्लाह ताला अलैह शरह सुदूर में नकल करते हैं, एक शख्स जिसका घर कब्रिस्तान के करीब था, उसने अपने बेटे की शादी के सिलसिले में रात को नाच रंग की महफिल कायम की। लोग नाच कूद और धमा चौकड़ी में मशगूल थे कि कब्रिस्तान का सन्नाटा चीरती हुई एक गर्जदार आवाज गूंज उठी। वो खौफनाक आवाज इन दो अरबी अशआर पर मुश्तमिल थी। या आलादते दहविन ला तदूम लहू इन्नल मनाया तबीदुल दहव दगीबा कम मिर अईनाहु मसरूरम बिलबदतिही अम्सा फरीदम मिन अहदीना मुहतरिबा। यानी ऐसा पायदार आचरण की जद्दतों में मुनहमिक होने वालों, मौत तमाम खेल कूद को खत्म कर देती है। बहुत से ऐसे लोग जो मुसलतों और जद्दतों में गाफिल से मौत ने उन्हें अपने अहदो इजाल से जुदा कर दिया। राबी का कहना है खुदा की कसम चंद ही दिनों के बाद दूल्हा का इंतकाल हो गया। मौत की आंधी आई और चट्ठा मत्सरियों धमा चौकड़ियों संगीत की धुनों लतीफों और कहरों शादमानियों और मुसरतों बचलते अरमानों और खुशी की तमाम राहत सामानियों को उड़ा कर दे गई। दूल्हा मियां मौत के घाट कर गए और खुशियों भरा घर देखते ही देखते मातम गदा बन कर रह गया। तू खुशी के फूल देगा कब तलक, तू जहां जिंदा रहेगा कब तलक। शिकायत को सुनकर शादियों में बेहुदा फंक्शन बर्बाद करने वालों और इनमें शरीक होकर गाने बाजे की धुनों पर खुशी के नारे बुलंद करने वालों की आंखें खुल जानी चाहिए। आइए इसी से मिलता जुलता है और इब्रतनाक वाकया आपके गोश गुजार करूं। कहते हैं पाकिस्तान के सूबे पंजाब में एक नौजवान की शादी के सिलसिले में रात को फंक्शन हो रहा था। क्या पड़ोसों ने और क्या खानदान की औरतें सब ने शर्महिया की चादर उतार डाली थी और फिल्मी गीत की धुनों पर खूब तूफान बदतमी जी बरपा था। इतने में माँ के पास दूल्हा आकर कहता है, माँ मेरी प्यारी माँ कल मेरी शादी है, खुशी का मौका है, मेरी ख्वाहिश है तू भी नाच। माँ चौंक कर बोली, अरे बेटा ये तो छोकरियों का काम है, मैं अभी उम्र में कहाँ नाचूंगी। लेकिन बेटे ने बाजू थाम कर भाई इसरार माँ को खींचा और रिंग में उतार दिया। हर तरफ हंसी का फव्वारा उबल पड़ा, तबले पर छाप पड़ी और उठी माँ भी अपने बेटों के फन का मुजाहरा करने लगी। इस तरह रात गए तक धमा चौकड़ी होती रही। आखिर एकाक तकहार कर सब हो गए, दिन निकल आया, आज शादी है, बैंड बाजों के साथ बारात जाने वाली है। घर का कोई फर्द दूल्हा मियाँ को जगाने उनके कमरे में आया, आवाजें दी मगर दूल्हा मियाँ उठ नहीं रहे। ओ, ऐसी भी क्या थकन है, बारात तैयार है और दूल्हे मियाँ की नींद ही पूरी नहीं हो चुकी। ये कहकर आने वाले ने दूल्हा को जब जोर से हिलाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। घर के लोग दौड़े दौड़े आए, आ बदनसीब दूल्हा रात भर नाचने और नचवाने के बाद मौत से हम आगोश हो चुका था। चीखों पुकार मच गई, खुशियों भरा घर एकदम मातम गदा बन गया। अभी कुछ ही देर पहले जहाँ हंसी के फव्वारे बन रहे थे वहाँ सारे बह निकले। अभी जहाँ कहकहों का शोर था वहाँ अब बाबेला का शोर है। खुशियों और शादकामियों का गला घुट दिया गया, हर शख्स तस्वीरें सब बना हुआ है। वक्ताल ने आकर नहलाया कपकनाया, आहो शोर में बदनसीब दूल्हा का जनाजा लोगों ने उठाया।
काफूर की गमगीन खुशबू ने फजा को मजीद खौफनाक बना दिया। फूलों को सजी हुई कार में सवार होने के बजाय गुलों के अंबार से लदे हुए जनाजे के पिंजरे में लेटा हुआ बदनसीब दूल्हा लोगों के कंधों पर सवार होकर वीरान कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। आह बदनसीब दूल्हा को खुशबुओं से महकते हुए बिजली के कुमकुमों से चमकते हुए उजरे अरूसी के बजाय कीड़े मकोड़ों से उभरती हुई तंग और तारीख कब्र में उतार दिया गया। तू खुशी के फूल देगा कब तलक, तू जहां जिंदा रहेगा कब तलक। तलक नीचे लिखे इस्लामी भाइयों, देखा आपने ये खुशियाँ आरती हैं, मौत यकीनी है। जिसने यहाँ खुशियों का गंज पाया उसे मौत का गंज मिल कर रहा। कब्र में मस्जिद उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसे भरनी है जरूर। अफसोस हजार अफसोस, आजकल शादी जैसी मीठी मीठी सुन्नत बहुत सारे गुनाहों में घिर चुकी है। बेहुदा रस्मात इसका जुज़्वे लाजुल्फ़त बन चुकी है। जब तक बहुत सारे हराम काम न कर लिए जाएं उस वक्त तक अब शादी की सुन्नत अदा हो ही नहीं सकती। मसलन मंगनी ही की रस्म को देख लीजिए, इसमें लड़का अपने हाथ से लड़की को अंगूठी पहनाता है। हालांकि ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। शादी में मर्द अपने हाथ मेहंदी से रंगता है, ये भी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। मर्दों और औरतों की मखलूक दावतें की जाती हैं, ये भी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। या कहीं बराए नाम बीच में पर्दा डाल दिया जाता है, मगर फिर भी औरतों में गैर मर्द घुस कर खाना बांटते मखलूक दावतें की जाती हैं, ये भी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। आह शादियों में खूब फैशन परस्ती का मुजाहरा किया जाता है। आह खानदान की जवान लड़कियां खूब नाचती गाती और ऊधम मचाती हैं। इस दौरान मर्द भी बिलाता का लुक अंदर आते जाते हैं। मर्द और औरतें जी भर कर बदनी का ही करते हैं। खूब आंखों का जिना होता है, न खौफे खुदा न शर्मे मुस्तफा जत्ता जलालुल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम। सुनो सुनो ऐ बदनिगाही करने वालों, सुनो ऐ गैर औरतों को देखने वालों, सुनो ऐ गैर मर्दों को दज्जत के साथ देखने वालों, सुनो ऐ अमर्दों को दज्जत के साथ देखने वालों, सुनो ऐ टीवी पर फिल्में दिलाने देखने वालों, सुनो ऐ वीसीआर पर फिल्में देखने वालों, सुनो ऐ तस्वीरें औरतों की देखने वालों, सुनो खूब कान खोल कर सुनो। मुस्लिम शरीफ जिल्द दूसरी सफा नंबर 336 पर अल्लाह के महबूब दानाए उयूब मुनज़्ज़हु अनिल उयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान मौजूद है। आंखों का जिना देखना और कानों का जिना सुनना और ज़बान का जिना बोलना और हाथों का जिना पकड़ना है। याद रखिए गैर मर्द गैर औरत को देखे ये भी हराम और गैर औरत गैर मर्द को दज्जत के साथ देखे ये भी हराम और दोनों के लिए ये जहन्नम में ले जाने वाले काम है। जरा दिल के कानों से सुनो, अपनी कमजोरी और नातवानी पर तरस खाओ, अपने आप को अल्लाह अज़्ज़ वजल के अज़ाब से डराओ। सुल्तान दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमाने इबरत निशान है। फिर मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जिनकी आंखें और कान कीलों से छुटे हुए थे। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ ये वो लोग हैं जो वो देखते हैं जो आप नहीं देखते, और वो सुनते हैं
जो आप नहीं सुनते पीछे पीछे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों दर्द को और घबरा कर रहमत वाले परवरदिगार जल्ला जलालहु के हुजूर तौबा करके उससे रहमत की भीख मांग लो। आप वो साजिश बंदा जिसकी हाथ में मामूली गुबार पड़ जाए तो बेकरार होकर फेंक जाए, अगर दाल मिर्च का जर्रा पड़ जाए तो तड़प उठे अपनी ही उंगली लग जाए तो मिल भी ना जाए। हाय मुसलमानों वो नाजुक आंख जो न धुआं बर्दाश्त कर सके न प्याज काटते वक्त उठते हुए मुखारा दे सके, अगर गैर औरतों को देखने के सबब या लज्जत के साथ अमरदों को देखने के सबब या टीवी और पर फिल्मों बन के खबरें सुनाने वाली औरतों अखबार में फिल्मी इश्तिहारात औरतों की तस्वीरें स्विमिंग पूल साहिल समुंदर या नहरों में तैरने वालों खिलाड़ियों वर्जिश करने वालों कुश्ती लड़ने वालों बॉक्सिंग करने वालों या कबड्डी खेलने वालों के फूले हुए घुटने या फूली हुई रानों को देखने के इस हराम जुर्म में अगर आंखों में तीर ठोक दिए गए तो क्या करोगे। फिल्म देखे और जो गाने सुने उसकी आंख कानों में झुके बातों से तू कौसों दूर भाग के कहीं तो जख्मी खा जाए ना आग। मत बजाओ भाइयों तुम तालियां इस तरह की छोड़ दो नादानियां, कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी कब्र में वरना सजा हो कड़ी। गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया।